तो दोस्तों फाइनली हमने ले ली है स्पिनिंग रील। अच्छा हम स्पिनिंग रील चलाएंगे, वेट कास्टिंग नहीं, क्योंकि हमारी वो ख़राब हो चुकी है वेट कास्टिंग रील। ये दोस्तों फीचर किंग की है 4000 सीरीज स्ट्राइक फोर प्रो, हाँ स्ट्राइक प्रो प्लस है। इसमें तीन मॉडल है इसके, ये टॉप मॉडल है किंगफिशर का प्रो प्लस, तो इसी से हमें देखेंगे इसमें क्या है कि इस रील में मॉडल अच्छी लगती है स्पिनिंग में, मॉडल पे बेहतरीन होता है स्पिनिंग रील, इसलिए हम मॉडल के लिए आए हैं। जी एकदम परफेक्ट चल रहा है दोस्तों, लो कास्ट हो रहा है। अरे अरे यार मिस कर दी मैंने दोस्तों, टेस्टिंग के चक्कर में मिस कर दी, मरा ली थी वो लग गई। अरे बाप रे दो बार, क्या बात है दोस्तों, पीछे भी आई थी दोनों बार मिस कर दी मैंने। ओ यहीं पर निकली दोस्तों बड़ी है, गलती कर दी हमने दो बार, खा जा ले जा ले ले खा ले खा ले, अभी नहीं आई कि वो थोड़ा आगे डाल देते इस तरफ। दोस्तों ये क्या हो रहा है अभी मछली है मरल है यार, ले पकड़ ले पकड़ ले अच्छे से, शिट 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 दोस्तों अलग दोस्तों लॉन्ग कास्ट हो रहा है, अच्छा है रील, यही दिक्कत होती है अक्सर रील में। अब नहीं आएगी शायद, तीन चार बार आई तो दोस्तों मैंने चारा कर दिया है चेंज, अब नहीं खेलेंगे हम। ये भी 21 ग्राम का ही थी स्पिनर बेट, कलर अलग इसका, ये सिल्वर है वो गोल्डन था, इसका कमाल देखते अभी सिल्वर का। ओ, ओ, अरे सिल्वर का कमाल दोस्त पहले ही कास्ट में, ये कैसे हुआ, ओके दोस्तों पहले ही कास्ट में स्पिनर, वो भी सिल्वर अभी नजर डाला था मैंने तो अच्छी से ये, ओके पर मैं ना ओके से देख लेता हूँ मैं दोस्तों, इससे पहले कि मेरा मन इसको लेने का हो जाए मैं इसको फटाफट रिलीज कर देता हूँ दोस्तों। तुझे जाना है दोस्तों आराम से,
अच्छी सही है, पर क्या करो दोस्तों, अभी रिलीज कर देते हैं, फिर लेने का मन हो जाता है इसलिए तुरंत रिलीज कर देते इसको। या लगा लगा तो दोस्तों मशीन का मुहूर्त हो गया, बड़े से अच्छे से लगता है, सच अच्छी है। अरे बड़ी है बड़ी नहीं दोस्तों, ओला को है ये। अरे यार दोस्तों लगी तो लगी, वो भी फ्रॉक थी दोस्तों। ये इस साल की मेरी सबसे पहला शिकार है ओला का, वो भी बड़ी सही। दोस्तों कभी नहीं लगा था, इस साल पूरा सीजन निकल गई दोस्तों बारिश की, पूरे सीजन में नहीं लगी थी। ये देखो दोस्तों साइज कैसे दिखाऊं, पूरे फोन में तो आ भी नहीं रहे दोस्तों, और अकेला हूँ तो किसी को बुला भी नहीं सकता। देखो साइज दोस्तों करीब करीब 2 kg, 2 kg दोस्तों, अपन भी परफेक्ट साइज बता दे दोस्तों, यूँ नहीं कि बड़ा साइज बता दे, जैसे फोन में बड़ी दिख रही, पर 2 kg आराम से ही ज़्यादा होगी पर कम नहीं दोस्तों, 2 किलो पक्की। और वो भी दोस्तों अपने फ्रॉग में लगी है, देखो मैं दिखाता हूँ, पहले मशीन आराम से रख दूँ क्योंकि कब पहले भी मैंने डैमेज किया था, अभी वो छोटा वाला लगा था। शिट दोस्तों बहुत तूफान करिए और बड़ी साइज़ ये देखो साइज। तो दोस्तों पहला शिकार बड़े इस साल, बड़ा वाला को छोटा वाला को लगता है। ये देखो दोस्तों ये हैंडमेड फ्रॉग है दोस्तों, ये मैं खुद बनाता हूँ, लकड़ी का है, उसका साउंड भी मैं खुद देता हूँ, किसी को चाहे तो बताना बना दूँगा, चार्जेस लगे भाई। ओके तो दोस्तों मुहूर्त में सब काम हो गया, रील का भी सभी आज ही चलाया मैंने। लाइक करना दोस्तों वीडियो को, सब्सक्राइब करना अपने चैनल को। तो हेलो दोस्तों अभी हम निकलने वाले हैं क्योंकि शाम बहुत हो चुकी है, और अपन वैसे भी अपनी नई रील की टेस्टिंग के लिए आए थे कि अपने लोअर कैसे चल रहे हैं कैसे नहीं, क्योंकि तो सभी लोअर मेरे बेट कास्टिंग रील के लिए अपडेट किए थे, तो अपनी स्पिनिंग रील में कैसे चलते हैं वो देखने के लिए आया था, ताकि मुझे पता चले कि इसमें मुझे कुछ चेंजिंग करनी है या नहीं। थोड़ा बहुत लगा कि अपने लोअर को चेंजिंग करनी पड़ेगी क्योंकि स्पिनिंग और बेट कास्टिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों, तो थोड़े लोअर अभी हम अपडेट करेंगे। वैसे दोस्तों हम जैसे लाते हैं कंपनी से वो नए लोअर वैसे नहीं चलाते, सब लोअर अपने अपडेट होते हैं, उसके बाद चलाता हूँ मैं, फ्रॉक से लेके स्पिनर बेट से लगे हर चीज़ अपडेट करने के बाद चलाता हूँ, ये वैसे नहीं चलाता, तो इसी वजह से रिजल्ट आता है। फिलहाल हम निकलने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।